सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, जो भी इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हैं, मैं सबसे पहले उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यहां पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित सब प्रधान सचिवगण, सचिवगण, अन्य सभी वरीय अधिकारीगण जो विभिन्न विभागों के यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के माध्यम से भाग ले रहे सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखिया, सभी वार्ड सदस्यगण, ग्राम कचहरी के सरपंच और पंचगण, सब लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और इस वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है, जब से यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहले तो केंद्र में राष्ट्रीय कानून बना और उसके बाद भी यहाँ लागू ठीक ढंग से नहीं हो पाया था, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका आप सब लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने पहला काम 2005 के अंत में ही इन सब चीज़ों पर बातचीत करके और इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और उसके लिए कानून भी बनाया। 2006 में चुनाव था और उस चुनाव के सिलसिले में ही सब कुछ हम लोगों ने अपना निर्णय किया था, ये आप सब लोगों को मालूम है। और जो राष्ट्रीय इसमें कानून बना था, प्रावधान था, उसमें किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, इन सभी संस्थाओं में, चाहे जिला स्तर पर हों, तीन स्तर पर वो उसका प्रावधान जो है, वो सभी तीनों स्तर पर जो सब कुछ प्रावधान था उसमें ये किया गया था कि कम से कम लगभग एक तिहाई महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण होगा। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने कहा, तो ये तो कहा गया है कि कम से कम एक तिहाई, तो बिहार में ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हम महिलाओं को 50% करेंगे, 50% का आरक्षण। बिहार पहला राज्य, और बिहार में जब ये लागू हुआ तो कई दूसरे राज्यों ने भी इसको करना प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोगों ने जो शुरू कर दिया और उसके चलते कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का अवसर मिला। और अब तो आप देखिएगा कि जो चुनाव होता है तो 50% से भी ज़्यादा महिलाएं चुन करके आ जाती हैं। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था हुई है कि अगर सब जगह महिलाएं भी सक्रिय होंगी तभी कोई काम बेहतर हो सकेगा। तो जब कानून बना था केंद्र के द्वारा, नियम बना था, उसमें भी ये बात आई, और राज्य सरकार को अधिकार जो था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने कानून में संशोधन किया। तो ये तो काम महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 2000 में जो चुनाव 2001 में हुआ था, जो कुछ भी, तो उसमें क्या स्थिति आ गई थी, किसी को कोई आरक्षण नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो प्रावधान किया और उसमें यही कर दिया कि पिछड़े वर्ग की जगह पर पिछड़े वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में ही, और उनको 20% का आरक्षण, और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिया।
और उस समय से ही आप समझ लीजिए कि इस बार का जो चुनाव है चौथा चुनाव, और उसी समय जब ये बात शुरू हुई थी तो एक बात हम लोगों ने बाद में और भी तय किया कि भाई जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं, रिजर्वेशन लोगों को दे रहे हैं महिलाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में और कुछ बात होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कह दिया कि 10 वर्ष में यानी दो चुनाव के बाद फिर से सभी जगहों में परिवर्तन होगा, जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो अति पिछड़ों के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो सब का एक चयन होगा। और अब देख लिए कि आपका इस बार हुआ है, अब अगली बार होगा उसके पहले ये सारा चीज़ होगा, सब लोगों को मौका मिलेगा, यानी हर इलाके में सब लोगों को अवसर मिलने का मिले इसका प्रावधान हम लोगों ने अपने नियमों के मुताबिक कर दिया। कोई इलाका नहीं बचेगा जहां पर महिलाओं को अवसर न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जहां पर अनुसूचित जाति को मौका न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहां पर अति पिछड़ों को मौका, मतलब आप समझ लीजिए सबको अवसर मिले। तो ये प्रावधान हम लोगों ने शुरू में ही किया, और इसके अलावे तो एक एक कई तरह की चीज़ें भी तो की गई। और जो पहला बार उस समय हुआ था हम लोगों का, तो 14वां जो वित्त आयोग था उस वित्त आयोग में जो केंद्र से पैसा आया तो सिर्फ पंचायती जगह पर मैंने पंचायत के स्तर पर ही मिला, बाकी मिला नहीं दोनों। तो इसके लिए हम लोग निरंतर करते रहे प्रयास कि साहब ये तो होना चाहिए, जिला स्तर पर भी मिलना चाहिए, प्रखंड के स्तर पर भी मिलना चाहिए, इस सिर्फ पंचायत के स्तर पर मिल रहा है तो ये तो प्रावधान होना चाहिए, हम लोग काफ़ी करते रहे। और उसके बाद जब 15वां आयोग बना तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात को प्लीड किया राज्य सरकार की तरफ से पूरे तौर पर, और उसके बाद अपना जो 15वां आयोग बना तो उसने प्रावधान कर दिया। अब तो तीनों को प्रावधान केंद्र की तरफ से जो भी आवंटन होता है उसमें ये प्रावधान भी किया गया। तो हर तरह से जो कुछ भी हम लोगों से संभव था हम लोगों ने सब लोगों के लिए तो ये सब सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो हर तरह से लोगों के लिए कुछ न कुछ लोगों को मिल जाए, हर महीने के हिसाब से कुछ मिले सब लोगों को, जितने लोग भी इलेक्ट होते हैं उनको। और अगर किन्हीं का किसी कारण उनके दौर कार्यकाल में अगर किसी कारण से निधन हो गया तो फिर उनके परिवार को भी हम लोगों की तरफ से 5 लाख रुपया उनके मृत्यु होने पर आश्रित देने के लिए। तो ये सब प्रावधान हम लोगों ने अपने समय से सब कुछ किया। अब आपको मालूम है कि जो कुछ भी हम लोगों की इच्छा हुई तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, पंचायत सरकार भवन नाम दिया, पंचायत भवन नाम नहीं दिया हमने, नाम दिया पंचायत सरकार भवन, यानी जो भी व्यवस्था हुई हम उनको भी मानते हैं कि सरकार सिर्फ हमारी सरकार नहीं है राज्य में, बाकी लोग भी हैं वो भी सरकार के तौर पर हैं। इसलिए हम लोगों ने हर, आप जानते हैं पंचायत स्तर पर जो नामकरण किया उसका नामकरण किया पंचायत सरकार भवन। और उसके लिए तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले 6 हिस्से में बांट करके 1/6 के लिए काम करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने शुरू किया। और फिर विश्व बैंक से भी हमारी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, 300 जगह के लिए उन लोगों ने भी प्रावधान किया। तो ये सब करते